विभाग विनोद में मैं सिंधोद आज सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सच्चाई तथा उच्च आदर्शों के प्रतीक एक मानक के रूप में स्थापित लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए हम ये चर्चा करेंगे कि आज जब हम यह दावे के साथ कहते हैं कि महात्मा गांधी की प्रासंगिकता आज भी मौजूद है और लाल बहादुर शास्त्री के उच्च आदर्श आज भी देश के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं, तब फिर क्षमा करेंगे इस टिप्पणी के लिए कि हम इन दोनों महान आत्माओं की याद करने के लिए एक वर्ष प्रतीक्षा क्यों किया करते हैं। यह एक कड़वा सच है जिसे हमें स्वीकार करना होगा और स्वीकार करने के बाद ही हम आत्मावलोकन कर इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं कि आखिर क्यों हम उन्हें विस्मित कर रहे हैं जिस महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मंत्र को लागू कर लगभग 200 वर्षों से शासन कर रहे ब्रिटिश हुक्मरानों को यहां से खदेड़ दिया था। जी हाँ, उन्हें मजबूर किया था, खजड़ा मजबूर किया था कि वो सत्ता यहां छोड़कर भागे जाए और ऐसा हुआ। आज वह सत्य और अहिंसा कहां लुप्त हो गया है। 1965 के पाकिस्तानी युद्ध के समय जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का जो नारा बुलंद किया था, पूरे देश में एक अजीब स्फूर्ति की लहर उस समय फैल गई थी। इस नारे के साथ पूरे देश ने उसे अंगीकार किया था। आज क्या ईमानदारी से हम ये कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के शब्दों पर अमल उसी प्रकार हो रहा है जैसे होना चाहिए था? शायद नहीं। आखिर क्यों? यह कैसी स्वार्थ की राजनीति है जो समय समय पर अपने स्थापित मूल्यों को भी विस्मित कर देती है। ऐसा होना निसंदेह हमारे लिए दुख की बात है, पीड़ा की बात है। हम बड़े गर्व से कहते हैं आज भी, सर देख लीजिए हर जगह चर्चा हो रही है, आलेख प्रकाशित हुए हैं, समय समय पर हमारे नेता यह दावा करते हैं कि महात्मा गांधी की प्रासंगिकता आज भी मौजूद है। प्रासंगिकता तो मौजूद निश्चित रूप से, लेकिन जब अमल करने की बात होती है तो हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। महात्मा गांधी ने न केवल सत्य और अहिंसा की बात कही थी, बल्कि उन्होंने आजादी के पूर्व ही आजाद भारत की कल्पना कर उसके लिए ध्येय निश्चित कर दिया था और वह था सभी के लिए समान व्यवहार, महिला सम्मान और उत्थान, विविधता में एकता, उपेक्षित समुदायों का सशक्तिकरण, राजनीति में सभी समुदायों की समुचित भागीदारी और सभी धर्म और संस्कृति का सम्मान। यह उन्होंने पहले ही स्थापित कर दिया था और एक तरह से पूरे देशवासियों को संदेश दिया था कि आजाद भारत इन्हीं रास्तों पर चलेगा। हमने सर्वधर्म संभाव को अंगीकार कर उसमें इन सारी भावनाओं को समाहित कर लिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि आज अगर भारत विकास के मार्ग पर अग्रसर है, तेजी से अग्रसर है और सफलता के नए नए आयाम हर क्षेत्र में स्थापित कर रहा है, तो उसके पीछे महात्मा गांधी की यही प्रेरणा मौजूद है। इन्हीं आदर्शों पर चलकर हम आज सफलता की उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके और कर रहे हैं जिसकी कल्पना पहले किसी ने नहीं की थी। ध्यान रखिए,
जब भारत को आजादी मिल रही थी तब ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट चर्चिल ने क्या कहा था, सत्ता अनुभवहीन हाथों में जा रही है, ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे, ये चला नहीं पाएंगे, ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। आज जिस मजबूती के साथ हर क्षेत्र में भारत आगे कदम डाल कर रहा और इसने पूरे विश्व में स्थापित कर दिया है, जब हमारी ओर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने आंखें तिरक करके देखा था, तब हमने अपनी सामरिक शक्ति का भी प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। पूरा विश्व अचंभित रह गया था। मैं यहां ध्यान दिलाना चाहूंगा 1971 का जब वो युद्ध जो बाद में बांग्लादेश के रूप में ईस्ट पाकिस्तान अवतरित हुआ, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो निर्णय लिया और हमारे महान सेना के जवानों ने जिस प्रकार अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, उसे पूरा विश्व भौचक्का रह गया था। यह मैं याद दिला दूं कि तब पाकिस्तान का कथित मित्र अमेरिका, उसने चाहा था कि वह पाकिस्तान की मदद करे, उसने अपने 7th फ्लीट जो सामरिक फ्लीट है उसे कूच करने का आदेश भी दे दिया था, लेकिन भारत की दृढ़ता को देखते हुए, भारत की शक्ति को देखते हुए आधे रास्ते से वो अमेरिकी 7th फ्लीट को वापस जाने को मजबूर होना पड़ा था। यह भारत देश है, ऐसा भारत ने करके दिखलाया हुआ है हमारे जवानों ने, और उनको जो समर्थन मिला था हमारे किसान भाइयों का, वो अद्वितीय है। उसी पर लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया था। यह भारत हर दृष्टि से आज अगर मजबूत होकर के बाहर निकला है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आज पूरा विश्व भारत का अनुसरण करने को तैयार है। लेकिन यहां पर एक सवाल अवश्य खड़ा हो जाता है कि आज जब पूरा विश्व हमारा अनुसरण करने को तैयार है, हमारी ओर वो आशा भरी दृष्टि से देखता है, तब यह ऐसा क्यों कि मजबूती से स्थापित महात्मा गांधी की प्रासंगिकता को कमतर करने की कोशिश के आरोप लग रहे हैं। यह दुखद है, कष्टदायक है, लेकिन एक कड़वा सच है। इस पर आज सभी को चिंतन मनन करना चाहिए कि आखिर एक ओर सुविधानुसार वोट की राजनीति के लिए हम महात्मा गांधी की प्रासंगिकता की मौजूदगी को चिन्हित तो करते हैं, हर दल चिन्हित करते हैं, हर राजनेता करता है, लेकिन यह भी सच है कि आज उनकी प्रासंगिकता को शनै शनै क्षण करने की कोशिश भी की जा रही है, सामने है, परिलक्षित है। उनकी जगह किसी अन्य को, उनका अवमूल्यन कर किसी अन्य को, किसी अन्य विचारधारा को स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा करने की कोशिश करने वालों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति में, वोट की राजनीति में आप चाहे जो कर लें, जनता को चाहे जो समझा दें, लेकिन जहां महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा की प्रासंगिकता की बात आएगी, लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के महत्व की बात आएगी, इस पर कोई भी समझौता करने को देश की जनता तैयार नहीं होगी। यह सभी राजदल हृदयस्थ कर ले कि ऐसा करने का कोई भी प्रयास उनके लिए घातक सिद्ध होगा। यह देश है महात्मा गांधी का, यह देश है लाल बहादुर शास्त्री का, यह गर्व से हाँ बच्चा बच्चा आज इस बात की शपथ लेता है। बाकी चीजें अपनी जगह है, आवश्यकता अनुसार हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं, बहुत सारे कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, उस पर अमल भी करते हैं, वो समय की मांग होती है। लेकिन जब आदर्श स्थापित आदर्श की बात होती है तो महात्मा गांधी
और लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए बच्चा बच्चा इस शपथ को दोहराता है कि हम उनके बताए मार्ग पर ही चलेंगे, गांधी और शास्त्री के बताए मार्ग पर ही चलेंगे, उनके उपदेशों को हृदयस्थ कर अपने आचरण में उसे समाहित करेंगे। और जब हम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि महात्मा गांधी ने जो लक्ष्य हमारे लिए निर्धारित किया था आजादी पूर्व ही, उसे प्राप्त करके रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। जहां तक लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान की बात है, 1965 के युद्ध में जो स्थापित हुआ था इसका महत्व उसके पास से लगातार चल रहा है। 1971 में भी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब भी अचीवित हुआ था, और आज एक प्रशंसा की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि जवानों को दबाव छोड़ने, हमारे जवानों के हौसले, उनका समर्पण, राष्ट्रभक्ति पर कोई भी सवालिया निशान नहीं। वे सर्वांगीण रूप से राष्ट्र के प्रति समर्पित है। सीमा पर उनकी सतर्क मौजूदगी हमें आजादी का श्वास लेने के लिए यहां पर हमें अवसर प्रदान करती है। हम निडरता पूर्वक आज आजादी के साथ अगर यहां पर विचरते हैं तो सीमा पर तैनात हमारे उन जवानों की मौजूदगी के कारण उन्होंने हमेशा इस बात को स्थापित किया है कि जब तक वे हैं हमारा भारत सुरक्षित है। और आज तो स्थिति यह है, आज हम इतने ताकतवर बन चुके हैं सेना के मामले में, शक्ति के मामले में, विश्व की कोई भी ताकत, शक्तिमान सर्वशक्तिमान देश भी हमारी ओर आंखें दरेर कर देखने की हिम्मत नहीं कर सकते। आज भारत ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है, और हरित क्रांति ने लाल बहादुर शास्त्री के सपनों को पूरा किया। आज किसानों की मौजूदगी, हमारे अन्नदाता, उनका जो सम्मान आज भारत का बच्चा बच्चा करता है वह अपने आप में अद्वितीय है। किसानों की उपेक्षा करने की कोशिश अगर राजनीतिवश किसी ने भी की तो उन्हें वो की खानी पड़ी है। हाल के दिनों भी ऐसा हुआ जब हमारे किसान अपने कुछ मांगों के लिए आंदोलन के लिए मजबूर हुए, तब देश में सवाल उठा था कि आखिर किसानों की ऐसी उपेक्षा क्यों। अंततः सरकार को मजबूर होकर उनके सामने झुकना ही पड़ा। यह कहने का तात्पर्य है किसानों को किसी तरह से भी ये दृष्टि से न देखें, वे हमारे अन्नदाता हैं, वे हैं तो हमारा अस्तित्व है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। विशेषकर सत्ता में आसीन लोगों को, राजनेताओं को, राजदलों को यह नहीं भूलना चाहिए कि किसान की मौजूदगी ही हमारी मौजूदगी का प्रमाण पत्र है। ऐसे में आज जब हम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए एक बार पुनः उनके विचारों को खुद में समाहित करते हुए उस मार्ग पर चलने का शपथ ले रहे हैं, तब इस बीच में एक सवाल खड़ा होता है महात्मा गांधी को लेकर। भाषा का प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा है। आजाद भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को कि अपनी कोई भाषा नहीं, ये दोहरा रहा हूं पिछले दिनों हिंदी दिवस पर कहता है, लेकिन आज इसकी प्रासंगिकता मौजूद है। महात्मा गांधी हिंदी के पक्ष में हमेशा, वो हिंदी को चाहे राष्ट्रभाषा बने, देश की जुबान बने, है ना, ये संपर्क की भाषा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यहां मैं उद्धृत करना चाहूंगा, जिस दिन आजादी की घोषणा हुई महात्मा गांधी नोआखली में थे, बीबीसी का एक संवाददाता उनसे इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा था, और जब वो सवाल पूछ रहा था तो महात्मा गांधी उसके अंग्रेजी के सवालों को हिंदी में जवाब दे रहे थे। जब इस पर संवाददाता ने टोका तो महात्मा गांधी का जवाब था, पूरे विश्व को बता दो कि आज से गांधी अंग्रेजी भूल गया। यह महात्मा गांधी के शब्द थे। महात्मा गांधी कौन थे? लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़कर वापस लौटे थे।
लेकिन उन सारी अंग्रेजियत को निकाल करके रख करके ऐताक रख कर एक लंगोटी धारण कर एक चप्पल धारण कर आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया और भारत को आजादी दिलाई थी। वो महात्मा गांधी जब भाषा के मुद्दे पर उनकी इच्छा को हम पूरा नहीं कर पाए तो आज हम जब उनके पास प्रासंगिकता के मौजूदगी को चिन्हित करते हैं तो क्षमा करेंगे हम, आज भारत उनकी अंतिम इच्छा की पूर्ति नहीं करने का अपराधी बना बैठा है आज तक, और यह तब तक मौजूद रहेगा तब तक हम अपराधी रहेंगे महात्मा गांधी के, जब तक हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में संवैधानिक राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित नहीं कर देते हैं। यह चुनौती है वर्तमान सत्ताधारियों को, चूंकि वह सभी हिंदी के पक्षधर हैं। आज भी याद अटल बिहारी वाजपेयी लालकृष्ण आडवाणी के शब्दों की, जब हिंदी के पक्ष में बात किया करते थे। उन दिनों को याद कीजिए जब संयुक्त राष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में जो भाषण दिया था पूरा विश्व स्तंभित रह गया था और तालियों के गड़गड़ाहट से वो हॉल गूंज उठा था। आज हम क्यों विस्मित कर रहे हैं, क्यों चर्चा तक नहीं होती? आज इस अवसर का मैं उपयोग इसके लिए कर रहा हूं, मैं वो सारे हिंदी संस्थानों को, हिंदी भाषियों को और भारत सरकार को चुनौती के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि आखिर आजाद भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा क्यों नहीं? अभी तक आजादी का अमृत काल मना रहे हैं, 75 वर्ष हो गए और हमारी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं। हिंदी को राष्ट्रभाषा का संवैधानिक दर्जा दें, इस दिशा में चुनौती है वर्तमान सत्ताधारियों को, जो पहल करें, वो विधेयक लाएं, संविधान संशोधन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें पूरे देश का समर्थन मिलेगा, लेकिन कोई पहल तो करे, आप पहल करके देखे तो पता तो चल जाए, लेकिन इसका पहल नहीं होना इस बात का प्रमाण है, बल्कि दुखद प्रमाण है कि हम महात्मा गांधी के दोषी, उनके दोषी हैं। हम महात्मा गांधी की अंतिम इच्छा की पूर्ति नहीं करने के दोषी हैं। गांधी हमें क्षमा करेंगे, आज उनकी आत्मा अभी भी दुखी होगी, विचलित हो रही होगी कि हमारे भारत के सत्ताधारियों ने भारत को उसकी जुबान अभी तक क्यों नहीं दी? क्या आज भी विलंब के बावजूद, मैं इसे मान लू कि विलंब नहीं हुआ, अभी भी अगर इस दिशा में पहल कर सार्थक कदम उठाते हैं और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करते हैं तो तय मानिए जो भी राजदलीय करेगा उससे पूरे देश का भरपूर समर्थन मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा।